हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजे मेडिसिन। मेरा नाम है अजीत और आज मैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एलोसोन एचटी क्रीम, जो कि आजकल बहुत ही चर्चित क्रीम है, बहुत लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। मैं आपको बता दूँ कि इसके आपको मैं आज यूज़, बेनिफिट, साइड इफेक्ट सब कुछ बताऊँगा। आप बने रहिए मेरे चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। और हाँ दोस्तों, वीडियो पूरी देखिएगा, आज एक नई जानकारी सीख के जाओगे जो कि आपके लिए बहुत ही आगे काम आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हर कोई यही चाहता है कि उसका चेहरा अच्छा दिखे और वो खूबसूरत दिखे, उसके चेहरे पे एक भी पिंपल्स के दाग ना हो या किसी चोट के निशान ना हो या किसी भी तरह की झुर्रियाँ झाइयाँ ना हो। हर कोई चाहता है खूबसूरत दिखना। मैं आज आपको बता दूँ कि आज आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। चलिए मैं दिखाता हूँ एलोसोन एचटी क्रीम, जिससे ये सारी प्रॉब्लमें ख़त्म हो जाएंगी और आपका चेहरा पहले से बढ़िया निखार में दिखेगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हो एलोसोन एचटी क्रीम, जो कि कंपनी बनाती है इसे लीफोर्ड, और इसका प्राइस है, मैं आपको बता दूं, सिर्फ 115 रुपये। और ये 15 ग्राम की ट्यूब आती है, आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर कॉम्पोजिशन। इसके अंदर कॉम्पोजिशन है हाइड्रोक्विनोन, ट्रेटिनोन एंड मोमोटोसोन, जो कि हमारे चेहरे को हर दाग से मुक्त करता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ और किन कंडीशन में ये यूज़ किया जा सकता है। ये किया जाता है किसी भी तरीके की झाइयाँ हो चेहरे पे, उसमें यूज़ किया जाता है। किसी के चोट का निशान हो उसमें यूज़ किया जाता है। किसी को पहले अगर कभी पिंपल्स वगैरह हुए हो उसकी वजह से जो निशान दे जाते हैं वो मिटाता है। किसी का जला हुआ हो और वो ठीक हो चुका हो पूरी तरीके से, उसका निशान हो वो मिटाता है। और तो और ये किसी भी प्रकार के चेहरे पर दाग धब्बे सब मिटाता है। दोस्तों, मैं इसके यूज़ बताता हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानना हमारे लिए और सही तरीका यूज़ करना चाहिए कभी भी कोई भी दवाई आप यूज़ करते हो। तो जब आप इस क्रीम को यूज़ करते हो तो इसके अलावा और कोई क्रीम यूज़ नहीं करना है आपको। इसको यूज़ करने का तरीका यह है दोस्तों, रात में मुंह धोने के बाद इसको हल्के हाथों से अपने चेहरे पर लगाएं। किसी को पर्टिकुलर कहीं दाग है या कहीं निशान है तो उसको वो मिटाने के पर्टिकुलर उसी जगह लगाएगा। अगर किसी को रंग अपना थोड़ा साफ करना है, चेहरे को साफ करना है, तो वो पूरे चेहरे पे अप्लाई करेगा और हल्के हाथों से। दोस्तों, मैं बताता हूँ आप लोगों को किन लोगों को ये यूज़ नहीं करना है, जिनको इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। जिन लोगों के टांके के निशान हैं, यानी कि कोई चोट लगी हो और उसमें टांके लगे हों और उसके निशान रह गए हों, वो इससे नहीं जाएगा। और किसी के बहुत ही गहरा निशान, जो कि चोट या किसी गाड़ी के एक्सीडेंट वगैरह से लगा हो, उसमें उनको बहुत ज़्यादा घाव आ गया हो और उसका ऑपरेशन वगैरह करके ठीक किया गया हो, वो लोग इसे यूज़ ना करें, क्योंकि इतने गहरे जख्म को ठीक होने के बाद उसमें यूज़ नहीं आता है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता उसमें यूज़ करने का। मैं आपको बता दूं, अगर आपके टांके के निशान है तो मैंने उस पर एक वीडियो बना रखी है मेडर्मा क्रीम पे, आप आई बटन पे जाके देख सकते हो, जो कि आप 245 रुपये में ओनली मिल रही है। आइए दोस्तों, मैं इसके फ़ायदे बताता हूँ। जिन लोगों के चेहरे पर झाइयाँ होती हैं उनकी झाइयाँ एकदम बिल्कुल साफ हो जाएंगी। जिन लोगों के चेहरे पर पिंपल्स के निशान रह गए वो मिट जाएंगे। किसी के चेहरे पर या कहीं पर भी छिल गया हो और वो उसका निशान रह गया हो, वो भी इससे मिटाया जा सकता है। तो दाग धब्बे से रिलेटिव कोई भी दिक्कत हो ये ठीक कर देता है, तो इसके ये बेनिफिट है। आइए दोस्तों, मैं कुछ इसके साइड इफेक्ट बताता हूँ। जब आप ये क्रीम अप्लाई करते हो और अप्लाई करने के कुछ देर बाद आपको चेहरे पे इचिंग होने लगती है, यानी खुजली होने लगती है, तो आप समझ जाइए कि आपको ये रिएक्शन कर रहा है। और अगर स्किन में अगर किसी प्रकार की सूजन देखने को मिलती है तो भी आप समझ सकते हो कि आपको साइड इफेक्ट कर रहा है। अगर स्किन में चकते पड़ने लगते हैं, रेडनेस सा होने लगता है, तो भी आप समझ जाइए कि आपको ये रिएक्शन कर रहा है। त्वचा में जलन, अगर आपके स्किन पे जलन करता है, चेहरे पे जलन कर रहा है लगाने के बाद, तो भी इसको आप यूज़ करना बंद कर दें, क्योंकि आपको ये सूट नहीं कर रहा। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कोई भी दवाई यूज़ करने से पहले आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवाई यूज़ ना करें, चाहे कोई वो नियर बाई डॉक्टर हो, चाहे कोई वो फैमिली डॉक्टर हो, उसकी सलाह के बाद ही यूज़ करें। दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं ऐसी मेडिसिन से रिलेटिव जानकारी लेके आता हूँ, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जब भी मैं कोई वीडियो नहीं डालूं नोटिफिकेशन के थ्रू आपके आपके पास पहुंच जाए। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, कल फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।